से बात करूं, एक से बात करूं, टू पीरियड्स होते हैं। फ्लोटिंग रिप्स को फ्लोटिंग रिप्स क्यों कहते हैं? ओके, दे आर नॉट अटैच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्टर्नम एंड ओनली दे आर अटैच विद द वर्टिकल कॉलम। ठीक है, वो वर्टिकल कॉलम से अटैच हो। चलें, तो ये आपके पास रिप्स के बारे में बात हुई। आपसे बात कर रहा था पेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, ऐसे ही था? ठीक है। नजरें आपकी बोर्ड पर होंगी, इतनी बात आपसे हो गई। ये अल्ना है और ये रेडियस। अगर मैं अल्ना लूं तो आपको क्या होगी कि अल्ना कहते किसको है? देखिए, अल्ना ऐसी हड्डी, इस तरह की हड्डी, आगे आपको इसकी ये हुक मिलेगी। ठीक है, दिस इज अल्ना। आपको उस तरीके से उसमें होक नजर आ रही, ये जो हमारी पॉइंटेड ये जो जगह नजर आ रही है, ये कौन है हम टच कर रहे हैं, ये जो जगह, ये दरअसल अल्ना। ठीक है, ये जो किनारा है और ये जो रेडियस है ना, ये थोड़ी नीचे होती है और एक लिगामेंट्स की मदद से अल्ना के साथ जुड़ी हुई, और लिगामेंट सिर्फ इसके ये वाले एंड पे, यहां पे कोई लिगामेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल एंड पे लिगामेंट आपको मिलेगा, डिस्टल एंड पे आपको कोई भी लिगामेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद आइए, ये देखें, ये आपके पास रेडियस, ये अल्ना, ये दोनों मौजूद है आपके पास। अब उसके बाद अगला हिस्सा जो आपको मिलेगा, यहां पे बेटा आपको आठ कार्पल्स मिलेंगे, ठीक है, आठ कार्पल्स मिलेंगे, आठ कार्पल्स हैं जिनमें से आपके पास पांच मेटा कार्पल्स, ठीक है, ये पांच आपके पास मेटा कार्पस, ये रेडियस, ये अल्ना, अब आपके पास फैलेंजेस आपको मिलेंगी, 14 फैलेंजेस मिलेंगी आप, चौदह फैलेंजेस आपको मिले, 14 + 5 = 19, 19 + 8 = 27, 27 + 28 = 29 or 30, एक लिम में टोटल 30 बोन्स आपको मिले। ठीक है, नाम देखें, ये आपको आठ कार्पल्स मिल रही है, ये आपको पांच मेटाकार्पस मिलेंगी, और ये आपको 14 जो है ये आपको फैलेंजेस मिले। ठीक है, तो ये एक अपर लिम की हड्डियां आपने मुलाहिजा फरमाई,
और कल आपको बता दिया था कि यहां से यहां क्लेविकल रन कर रही है, दिस इज क्लेविकल और ये स्कैपुला, ठीक है। कैविटी क्या कहलाती है, कल बताएगी दुआ बाद में, बोलो ग्लेनॉइड कैविटी। यहां पे आपको इस जगह पे ये आपको ग्लेनॉइड कैविटी नजर आ रही, challenges, PHALANG।
ठीक है, इसके बाद आइए अपर लिम की बात हो गई आपसे, लोअर लिम आपको बताने जा रहा हूं। जी बता दिया जाए, ठीक है, बोर्ड पर देखेंगे आप। लेकिन दिस इज पेल्विक गर्डल, इसमें आपको एक कैविटी नजर आएगी, कैविटी कहलाती है एसीटेब्यूलम। इसमें एडजस्टेड होती है गैस में एडजस्टेड होती है फीमर, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज फीमर। फीमर मौजूद है, फीमर के साथ आपको यहां पे क्या मिलेगी, फीमर के साथ आपको यहां पे मिलेगी टिबिया, और यहां पे छोटी सी हड्डी आपको मिलेगी, छोटी साइज तो उसका उतना होगा लेकिन पतली हो, वो कहलाती है फिब्यूला। The one is tibia and the other is fibula. क्या बना रहा हूं, देखिए जरा, ये tibia है और ये fibula। अब इसके साथ देखिए यहां पे आपको मिलेंगे टॉर्सल्स, ये एक्सरे व्यू बना रहा हूं, अगर एक्सरे लिया तो क्या नजर आ रहा, दिस इज टॉर्सल्स, सेवन टॉर्सल्स। फिर मौजूद है पांच मेटा टॉर्सल्स, एक दो तीन चार और ये पांच, ये मौजूद है फाइव मेटाटार्सल्स। फिर इसके बाद आपके पास मौजूद है 14 फेरिंजेस। जब मैं ये डायग्राम बना रहा था तो मैंने इसका ख्याल रखा है कि जिस तरफ रेडियस होती है उस तरफ आपका अंगूठा होता, थंब होता, ये देखिए ये अंगूठा है। अब यहां पे मैंने लाके हाथ रख दी, तो ये मेरा हाथ किसके ऊपर है, ये मेरा हाथ रेडियस के ऊपर है। डू यू वांट टू गो आउट, डू यू वांट टू गो आउट, वेयर इज योर कंसंट्रेशन, इसको बंद करो, इसको बंद करो जो आगे रखा हुआ, तवज्जो तुम्हारी इधर होगी बोर्ड पर। ये थंब है, थंब को आप नीचे लेकर आएंगे, ये जगह जो मेरा हाथ जो टच कर रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस के साथ यहां पे आप थंब के साथ आपको ये रेडियस मिलेगा। सिमिलरली आपको ये जो टिबिया नजर आ रही है, ठीक है, टिबिया का ये जो एंड नजर आ रहा है, तो इसकी तरफ आपको क्या मिलेगी, इसकी तरफ आपको मिलेगा यहाँ पे ये दो फेरिंजेस थंब की, क्योंकि जो आपका पैर का थंब है वो ये टिबिया वाली साइड पे मौजूद होता है। अब बाकी फेरिंजेस आपके पास ये एक दो तीन, एक दो तीन और एक दो तीन, 14 फेलेंजेस आपको यहां नजर आ। अगर किसी ने थंब यहां गलती से बना दिया तो गलत हो जाए, यानी कि अगर मैं खड़ा हूं, ठीक है, मैं खड़ा हूं तो मेरे दोनों पैर के थंब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, सिमिलरली मेरी दोनों टिबिया जो है वो एक दूसरे को फेस कर, जब आपके एग्जाम में सवाल आता है ना इतना सिंपल करके नहीं आता, 10 एंगल से पूछ रहे, ठीक है। कोई इंसान खड़ा हुआ, अब फॉर एग्जाम्पल
साइड में से किसी ने लात मारी तो कहेंगे कौन सी हड्डी को लगा। अब दोनों साइडों में हमारी कौन सी मौजूद है, फिब्यूला मौजूद, तो वो फिब्यूला को हिट करे अगर कोई बाहर से लात मार रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों टीबिया हमारी बिल्कुल साथ मौजूद है, आमने सामने मौजूद, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक हड्डी मैंने कम बनाई है, ये देखिए ये एक हड्डी आपको मिलेगी इसके ऊपर पटेला, PATELA पटेला। ये हड्डी ऐसे होती है कि यहां पर एक मसल होता है, ठीक है, यहां पे एक बहुत पावरफुल मसल होता है जो कि आके अटैच होता है इस जगह पे टिबिया से। तो ये जो पटेला होती है ये दरअसल इस मसल के अंदर होती है, इसको नी कैप भी बोलते हैं, ठीक है, इसको दरअसल नी कैप भी बोलते हैं। अब हड्डियां गिन लीजिए जरा, 14 फेरेंजिस, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26, 27, 28, 29, 30, यानी एक लोअर लिम के अंदर 30 बोन्स, एक अपर लिम के अंदर 30 बोन्स। मजीद मुलाहिजा फरमाएं, यहां देखें जरा, ये जो आपको पेल्विक गर्डल नजर आ रहा है इसके तीन पार्ट्स आपको मिलेंगे, दिस इज इलियम, ILIUM, जो इंटेस्टाइन वाला इलियम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ILEUM इलियम। ये जो हड्डी है कहलाती है प्यूबिस, और ये जो हड्डी है कहलाती है इस्चियम। इलियम, क्यूबिस, इस्चियम बना सकते हैं।
पूछा। वो बात बता रहे थे, दोबारा इनको बता दे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अंगूठा है, अंगूठी वाली साइड पे रेडियस हो, ठीक है? आपके जहन में है कि अंगूठे से मैं नीचे चलते हुए आए और इस जगह पे जहाँ हाथ रखा है, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे हाथ यहाँ रखा है, यहाँ अल्लाह है कि रेडियस? तो जवाब है यहाँ रेडियस, ठीक है, और अल्लाह इधर हो, जो छोटी उंगली है इस तरफ अल्लाह हो। और सिमिलरली अब जब आप ये डायग्राम बना रहे हैं, तब ये दो वाली फैलेंजेस इधर बनाए इधर बनाए, तो जवाब है वो टिबिया वाली साइड पे बने। इसी तरह यहाँ पे जो रेडियस, अब ये दो फैलेंजेस यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, गलती हो सकती है बनाने, उसकी पहचान ये जिस तरफ रेडियस होती है उस तरफ अंगूठा होता है, अंगूठे के दो फैलेंजेस आपको नजर आते हैं, ठीक है, ये बात समझे। चलें टेस्ट टॉपिक, कवर टेस्ट फ्राइडे, फ्राइडे को टेस्ट है, तो आपको मस्कुलर सिस्टम पूरा है, अभी तक टेस्ट तो नहीं हुआ ना मस्कुलर सिस्टम, हाँ मस्कुलर सिस्टम पूरा है, लोकोमोशन भी आएगा, ठीक है, तमाम लोकोमोशन जो है वो भी आए, मस्कुलर सिस्टम एंड लोकोमोशन। पीछे आपका चैप्टर 8 का असल टेस्ट लेना है जो अभी तक नहीं लिया गया, लेकिन मसला ये है कि ये जो टॉपिक्स आप कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, टेस्ट मैं चेक करता हूँ तो स्टूडेंट दूसरे टॉपिक के चक्कर में इसको खराब कर दे, तो आपका चैप्टर 8 का टेस्ट मुझे पता है ये ड्यू है, लेकिन क्या कहते हैं कि आप पहले इसको सही से कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा कि हम जो पिछला जो चैप्टर 8 वाली चीजें हैं उसका टेस्ट ले सकें, इसका मौका हमें मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अच्छा ये बताइए कि हमारे जिस्म में सबसे छोटी हड्डियां कहाँ मौजूद, कौन सी होती, ईयर बोन्स, ईयर में मौजूद है, क्या नाम है उनके, ऑसिकल्स ऑफ ईयर, इफ यू नो यू वांट टू आंसर यू शुड रेज हैंड फर्स्ट। ठीक है, मेलियस इनकस और स्टेप्स जो है ये हमारे ईयर के अंदर मौजूद है, पूरे के हमारा जो ईयर है ये हमारे कान का पर्दा है, यहाँ पे तीन हड्डियां मौजूद हैं, दिस इज मेलियस, दिस इज इनकस और दिस इज स्टेप्स, ये हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डियां, जब आवाज कान के पर्दे से जाके टकराती है तो ये जो ऑसिकल्स हैं ये वाइब्रेट होती है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, ये हमारे मिडिल ईयर के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये वाइब्रेट होती है तो ये वाइब्रेशन इनर ईयर तक ट्रांसफर कर, सबसे छोटी हड्डियां ये, ठीक है, तो इनको भी हड्डियों में शामिल करें, यानी कि जो 206 हड्डियां हमारे जिस्म में मौजूद है उसमें जो 6 हड्डियां हैं वो यही तीन एक तरफ और तीन एक तरफ, ठीक है, इन छह की तादाद भी उसमें शामिल है, ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, वेरी नेक्स्ट टू इट इज आपसे बात करनी है बोन्स की हिस्टोलॉजी और कार्टिलेज की हिस्टोलॉजी आपको बतानी है कि क्या होता है, बोन इज अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू, मैंने शुरू में पूछा था ना तू आपसे, कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू आपसे तो पूछ लिया था, आप जवाब दे दियो, कनेक्टिव टिश्यू बता दो क्या होता है, आपसे नहीं पीछे पीछे वाली जवाब दे दी, बेटा कनेक्टिव टिश्यू बोल दो क्या होता है, व्हेन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ फ्लूइड मैट्रिक्स और व्हेन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, सिमिलरली आपके पास
बोन भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ओके। तो बोन की हिस्टोलॉजी और कार्टिलेज की हिस्टोलॉजी के बारे में आपसे बात करनी है कि बोन की हिस्टोलॉजी और कार्टिलेज की हिस्टोलॉजी क्या है। टाइम थोड़ा रह गया क्योंकि इसमें बताना बहुत कुछ है बोन की हिस्टोलॉजी के अंदर। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, इलियम इशियम प्यूबिस, ठीक है, कोई सवाल है ध्यान में तो कर सकते हैं, कोई भी सवाल है ध्यान में कर सकते हैं। आप सबसे कहा जा रहे हैं कि रेगुलर हैं, ठीक है, सबसे कहा जा रहे हैं रेगुलर हैं। एट द एंड ऑफ सेशन आप कहीं के भी नहीं खड़े होंगे अगर आपने इरेगुलरिटी शो की। सबके वर्ल्ड मास लगे हैं, अंदाजा नहीं होता कौन क्या है। एक ही बच्चे मास नहीं लगाया हुआ, इसकी पहचान में आ रहा है, मैं नींद आ रही है, बीमार हूँ, मास नहीं लगाया तुमने, मुझे नहीं उससे कह रहा मैं खड़ा हूँ, आप तो बोल रहे हैं आप पहली की बात कर दोनों बूटे पहली से भी बराबर हो रहे हैं, पहली बात करनी है आपकी बात से दोनों बूटे बराबर बराबर हैं नहीं तो इतने बराबर बराबर हैं और पहली बात बाहर की तरफ इधर भी लग गए और बीच में दोनों जाने के लिए ये दूसरे को ये चीजें कि इन चीजें अगर आप देखते हैं तो बूटा नहीं लग गया पहली दोनों बाहर आपके दोनों अंगूठे एक दूसरे को बराबर बराबर में दाएं बाएं रखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं दोनों